उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महमूदाबाद कोतवाली में शारदा नहर पटरी के किनारे की युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला। ग्रामीण वासी ने इसकी सूचना कोतवाली महमूदाबाद को दी। महमूदाबाद सीओ व कोतवाल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर भेज दिए। युवती का नाम उर्मिला यादव, पुत्री विश्राम यादव, निवासी बरातीपुर, उम्र 24 वर्षीय के रूप में बताई जा रही है। मृतक युवती ने अनुबन्वा प्रताड़ना के चलते पूर्व में सीतापुर न्यायालय में बहनोई गिरिजेश और जेज हरनाम के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था। युवती 16 तारीख को अपने गांव बरातीपुर से दवाई लेने के लिए निकली थी। शाम में घर न पहुंचने से 17 को पैंतेपुर पुलिस इंचार्ज के पास उसके भाई ने गुमशुदा की तहरीर दर्ज कराना चाहा, किंतु मृतक युवती के भाई का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने उसकी तहरीर नहीं दर्ज की। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से जिला संवाददाता मुकेश रस्तोगी की रिपोर्ट। और आने के बाद में क्या हुआ, कुछ दवा वा लिया और नहीं लिया पता नहीं। बाद में जब हम घर शाम को वापस में आए तो पूछा कि घर पे नहीं है, कहाँ गई हुई है, तो कहने लगे दवा लेने गई है। तो जब वापसी में आने के बाद फ़ोन लगाया हमने तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ गया। जब फ़ोन स्विच ऑफ, उसकी जो सहेली थी उनके घर पर फ़ोन लगाया तो उनसे भी खबर मिली कि वो फ़ोन तो हमको किया नहीं, आई भी नहीं है। तो हम काफ़ी देर परेशान हुए, इधर उधर देखे, फिर शाम को हम सोचे चलो किधर गई होगी, तो हो सकता सुबह हुई तो थाने पर गए चौकी इंचार्ज को, तो वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। बोले महमूदाबाद जाओ, महमूदाबाद आया तो कल भेज दिया फिर हमको पैंतेपुर को। पैंतेपुर आए तो पैंतेपुर में हमको क्या बोले कि जाओ महमूदाबाद। अब महमूदाबाद गए तो फिर बोले कल सुबह आ जाओ। अब तो आप किन लोगों पे आरोप है? तो आरोप हमारा है मनोज से मिली थी परसों, जिस दिन गायब हुई ना उसके एक दिन पहले मनोज से मुलाकात हुई उसकी, उसके साथ में जो सहेली थी वो बता रहे थे कि मनोज से मुलाकात हुई। तो कल जिस दिन गायब हुई उस दिन भी मनोज मतलब फ़ोन ऑन किया था, और उनका पति जो है ना शमशेर, उससे और उसका मनोज सा दोस्ती था। आपको यहाँ कैसे सूचना मिली कि वहाँ पे? यहाँ पे तो अभी थाने में मैं था, एप्लीकेशन लिखाने गया था नामजद रिपोर्ट, तो थाने में बताने लगे कि वहाँ पास लड़की एक मिली हुई है जाके देख लो। तो हम लोग दौड़ के आए। पहचान हो गई है वो आपकी? क्या लगता है? हाँ, नाम है उर्मिला यादव। आपका क्या नाम? निर्मल यादव। देखिए ये उर्मिला यादव हैं, उनका शव आज यहाँ मिला है नहर किनारे पटरी पे, ये झाड़ी के बगल में। घटनास्थल देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घटना करने के बाद, मारने के बाद लाके उसको फेंका गया है। इसके भाई अभी आए हैं, उसकी शिनाख्त किए हैं। उनका ये कहना कि दो लोगों का ये नाम ले रहे हैं कि कुछ दिन पहले धमकी भी दिए थे ये लोग। इस संबंध में हम लोग आगे की जो भी आवश्यक कार्रवाई वो कर रहे हैं, इनसे तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आगे इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होती है।